एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल्कि अवतार और कल्कि सेना। आज के युग में युग परिवर्तन के लिए इस धरती पर तैयार हैं। जिस प्रकार नारायण की यानी विष्णु भगवान की नारायणी सेना, उसी प्रकार कल्कि अवतार की भी कल्कि सेना। और उस कल्कि सेना में अष्ट चिरंजीवी, वो ऋषि मुनि जो न जाने कितने हजार वर्षों से हिमालय पर तप कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि महाप्रलय या महाविनाश के समय वो कल्कि अवतार से जुड़ेंगे, क्योंकि समय समय पर वो धरती पर आकर धरती की क्या अवस्था है उसे वो देख जाते हैं और कल्कि अवतार से मिलकर फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। कल्कि अवतार के युग परिवर्तन का कार्य, उनके सतयुग की स्थापना का कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं आज इस पृथ्वी पर हैं। ऐसी आत्माएं भी हैं जिन्हें मोक्ष की तलाश है, और वो अतृप्त आत्माएं, उनके पास फिजिकल बॉडी भी नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में घूम रही हैं, यानी बिना शरीर के ही एक साय के रूप में आज भी वो धरती पर हैं कि न जाने कब कौन सा कार्य उनके द्वारा किया गया ईश्वर को अच्छा लग जाए। क्योंकि सारी अतृप्त आत्माएं जो होती हैं बुरी नहीं होती हैं, बल्कि उनके द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए जाते हैं। तो कल्कि अवतार का युग परिवर्तन का जो कार्य है वो छोटा मोटा कार्य नहीं है। इसके लिए उनकी कल्कि सेना भी पूरी तरह उनके साथ एक्टिव है, उनके युग परिवर्तन के मिशन में। ये तो हुई देवी देवताओं की बात, जिसमें माँ पद्मा हैं, माँ रमा भी हैं, कल्कि अवतार के फैमिली के लोग भी हैं, और सारी शक्तियाँ जो भी ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं अलग अलग रूप में, नारी शक्ति कह लीजिए या देवी देवता गण कह लीजिए, चाहे जो भी आप जिसका भी नाम ले लीजिए, सभी लोग मिलकर कल्कि सेना को और कल्कि अवतार के साथ जुड़कर कल्कि अवतार के डिवाइन मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी तरह से अब उनके साथ हैं। लेकिन कल्कि अवतार अपने डिवाइन मिशन में सिर्फ अपनी कल्कि सेना में जो डिवाइन लोग हैं उनको ही नहीं लेंगे, बल्कि इनडायरेक्टली वो इस पृथ्वी से कुछ ऐसे लोगों को, अपने कुछ ऐसे भक्तों को चुनेंगे जो उनके डिवाइन मिशन को इनडायरेक्टली, यानी कल्कि अवतार की कल्कि सेना को ज्वाइन करने से ही कल्कि अवतार का मिशन कामयाब होगा या उनका कार्य किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इनडायरेक्टली यानी वो कल्कि सेना में नहीं भी रहेंगे तो भी वो कल्कि अवतार के कार्यों को, उनके मिशन को, युग परिवर्तन के कार्य को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अब वो कौन से लोग होंगे जो कल्कि अवतार के द्वारा इस पुण्य कार्य के लिए चुने जाएंगे? ऐसे लोग, ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर अब भर लिया है, यानी जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, वास्तव में जिनके सामने कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने इंद्रियों पर भी काबू पा चुके हैं और इस संसार से वो डिटैच हो चुके हैं, यानी इस संसार में तो रहेंगे, जिंदा भी रहेंगे, कार्य भी करेंगे, सबके बीच में रहेंगे, लेकिन सबके साथ होते हुए भी वो जो आसक्ति एक कॉमन इंसान में होती है वो आसक्ति उनमें नहीं रहेगी, यानी वो अनासक्त भक्त कहलाएंगे। यानी हर चीज़ की माया से दूर, हर चीज़ की चाहत से दूर, स्वार्थ में नहीं रहकर सेल्फलेस सर्विस करने की तमन्ना और हर कार्य को ईश्वर का कार्य मानकर कल्कि अवतार को सरेंडर करते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, यानी नेक कार्य,
किसी की मदद करना बिना स्वार्थ के, बिना लालच के और बिना इस चाहत के कि सामने वाला इंसान हमारी मदद करेगा, बल्कि उनकी सोच ऐसी होगी कि यदि कभी मुसीबत की घड़ी आई तो हम कल की अवतार के साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, हर पल उनकी निगरानी हमारे ऊपर है और वो अपने आप ही हमें गाइड करते जाएंगे किस प्रकार कौन सा कार्य करना है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उनका ही कार्य है। जब इस तरह की सोच जिस इंसान में डेवलप हो जाएगी इस युग में, वही कल की अवतार के मिशन के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ता चला जाएगा और उनके मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपना 100% सहयोग देता चला जाएगा। तो ऐसे इंसान भले ही जो कल के अवतार के भी भक्त ना हो, राम जी और कृष्ण जी के भी भक्त ना हो, लेकिन नेक इंसान हो, एक मानव धर्म को सही अर्थों में पहचानते हो, अपने जीवन का उद्देश्य जिन्हें पता चल गया हो कि वास्तव में जीवन एक ही बार मिला है, कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसे कार्य हमें निस्वार्थ रूप से करने चाहिए जो दूसरों के लिए हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि जानवर भी अपने लिए जी लेता है। एक इंसान वो इंसान होता है जो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छे कार्य सेल्फलेस होके करता है। तो ऐसे इंसानों के पास भले ही पैसा रुपया ना हो, वो आर्थिक रूप से किसी की मदद ना कर पा रहे हों, लेकिन शारीरिक तौर पर किसी की मदद कर सकते हैं, इमोशनल तौर पर किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है उन्हें काउंसलिंग दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और किसी की सोच में, एविल थॉट्स में परिवर्तन लाकर उन्हें गाइड करके सही राह भी दिखला सकते हैं। बहुत सारे कार्य हैं कल की अवतार के मिशन के तहत, लेकिन कल की अवतार ऐसे लोगों को कभी नहीं चुनेंगे अपने लिए, इनडायरेक्टली भी उनके कल की सेना के लिए या इनडायरेक्टली उनके डिवाइन मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जिनमें स्वार्थ की भावना है, मैं की भावना है, ईगो की भावना है, या जो स्वार्थ या लालच के चलते, लोभ के चलते, अहंकार के चलते अपना काम करते हैं ताकि उनका नाम रोशन हो, लोग उनकी वाहवाही करें, इन रिटर्न उनको भी गिफ्ट मिलता रहे, उनकी पद प्रतिष्ठा बनी रहे, समाज में उनकी इज्जत रहे, आगे पीछे उनके फॉलोअर्स घूमते रहें। ऐसे लोग कल की अवतार की सेना तो दूर, इनडायरेक्टली भी उनके डिवाइन मिशन के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि कल की अवतार के डिवाइन मिशन के साथ आप भी जुड़ जाएं, तो आपको भी इसी प्रकार के गुणों को आज से ही अपने जीवन में अपनाना होगा। याद रखिए, दूसरों को यदि हम कुछ पल के लिए भी राहत देते हैं, तो उनको मानसिक शांति पहुंचाते हैं, तो ये वो पुण्य है जो दान दक्षिणा देकर भी हम नहीं कमा सकते। तो ऐसी पवित्र आत्माएं आज इस धरती पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, ऐसे लोग जो कल की अवतार के द्वारा चुने जाएंगे उनकी मदद करने के लिए, उन्हें तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहेंगे उनको मदद की क्या ज़रूरत, बिल्कुल सही, उन्हें कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी आत्माएं जो कल की अवतार जिन्हें चुनेंगे, जिनके द्वारा ये काम करवाया जाएगा ताकि उन आत्माओं को भी सतयुग में जाने के लिए उनका रास्ता आसान हो जाए, क्योंकि कर्म ही है जो इंसान को महान भी बनाते हैं और तुच्छ भी बनाते हैं। तो कल की अवतार इसलिए ऐसे इंसानों को जिनके पाप पुण्य का लेखा जोखा खत्म हो गया और जो सतयुग में जाने के लिए डिजर्व करती हैं, ऐसी अच्छी आत्माएं आज इस कलयुग में उनके डिवाइन मिशन को आगे बढ़ाएंगी। याद रखिए, एक छोटी सी मदद आपकी किसी और के जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।